झांसी जिले से एक मामला सामने आया है जहां एक छात्र ने स्कूल मास्टर पर प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। झांसी जिले के अंतर्गत आने वाला थाना टहरौली के ग्राम बमनुआ में संस्कृत विद्यापीठ उच्च प्राथमिक बमनुआ में अध्ययन करने वाले छात्र को स्कूली मास्टर के द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाते हुए बताया कि मैं अध्यापक से पूछकर अपने कमरे में आराम एवं दवा खाने को चला गया। इसके बाद रविकांत पिपरिया ने मुझे कमरे से बुलाकर मुझे मुर्गा बनाया और लाठी डंडों से मारा और मुझे डांटा और जमकर मेरी मारपीट की और मुझसे अध्यापकों के कपड़े धुलवाए जाते हैं और वह अपने कमरे की साफ सफाई करवाते हैं और जब मैं अपना इलाज करा रहा था गांव से दो दिन बाद वापस विद्यालय गया तो आचार्य जी ने विद्यालय में जाने से रोका और मारने की धमकी दी। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम पारसमणि शुक्ला है। क्या समस्या है आपके यहाँ, आप जो प्रार्थना पत्र लिए खड़े हुए हैं आज? जी सर, मैं बनुआ विद्यालय में अध्ययन करता हूँ, करीब 6 साल हो गए मुझे वहाँ पे अध्ययन करते करते। सर 6 साल में मेरा कोई भी रिकॉर्ड खराब नहीं है उस विद्यालय में, और उस विद्यालय का नाम है संस्कृत विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनुआ टहरौली झांसी उत्तर प्रदेश, और वहाँ के प्राचार्य जी जो प्रभारी प्राचार्य है उनका नाम है ब्रजकिशोर तिवारी जी। सर मेरी 21/12/2022 को मेरी तबीयत खराब हुई तो जिस कारण मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैंने ऐसा कहा। आशीष रिसाइया जो सुजौरा में रहती है उनसे, अध्यापक से जो सहायक अध्यापक के रूप में वहां पे रहती हैं, मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत खराब है तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि हाँ ठीक है तुम लेट जाओ। उन्होंने मेरा आंग भी देखा तो गर्म था तो उन्होंने कहा ठीक है आप लेट जाओ। इसके बाद 2 बजे घंटी लगी सर, तो मैं वहां पे क्लास में नहीं जा पाया क्योंकि मुझे बुखार था, तो उन्होंने मुझे बुलवाया कमरे से। बोले क्या बात है? तो सर मैंने कहा कि मुझे बुखार है, तो बोले क्यों लेटे हो इलाज कराने के लिए जाओ? तो सर मैंने थोड़ी दवा खा रखी थी क्योंकि जैसे सभी लोग यही चाहते हैं कि सस्ती में न पड़ जाए, तो मैंने सोचा कि दवा खा लेता हूँ और उस दवा से यदि न पड़ जाए तो 4 बजे इलाज करा लाऊंगा। 1 से 2 के बीच मैंने दवा खाई तो 2 बजे उन्होंने मुझे बुलवाया। बोले किससे पूछ के कमरे में गए थे? तो सर मैंने बताया कि मैं इन सर से पूछ के गया था। तो बोले नहीं आप मुर्गा बन जाओ। तो मैंने कहा सर मैं बीमार हूँ, मैं मुर्गा नहीं बन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मुर्गा बन जाओ। तो बोले लाठी लाना। मैंने कहा नहीं बनूंगा। तो बोले लाठी लाना। तो सर मैं लाठी के भय से मुर्गा बन गया क्योंकि वो मारते हैं बहुत ज्यादा यदि, क्योंकि उनका दबाव रहता है। तो सर मैं मुर्गा बन गया। इसके बाद मुर्गा बनते के बनते मेरे मुझे कम से कम 10-15 मिनट हो गए तो मुझे पैर दर्द करने लगे। मेरे सर मेरे पैर दर्द करने लगे तो मैं थोड़ा केवल 1 मिनट के लिए खड़ा ही हुआ। उन्होंने 4-5 डंडे मुझे तेजी से मार दिए। बोले इलाज करा के जा अपना। बोले इलाज कराने के लिए जा अभी। तो वहां पे सर मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि गुरु है, मैंने ये सोचा। इसके बाद मैं सर मैंने इलाज भी कराया, इलाज करा के आया तो बोले इतना सस्ता इलाज होता है सर? 200 रुपए का मैंने इलाज कराया और बोले इतना सस्ता इलाज होता है? क्या मैं 5,000 का करवाऊं सर इलाज? और सर उन्होंने कई बार उन्होंने रात भर मुझे रातों जगाया, मेरी सेवा करो, कपड़े भी धुलवाते हैं। सर उनका परिवार भी है सर ये बात। और मैं जब आज मैं अपने चाचा के साथ गया वहां पे रहने के लिए कि मैंने अपनी गलती स्वीकार, मेरी गलती भी नहीं है, फिर भी उन्होंने मुझे मारा। मैंने फिर भी कहा कि मेरे भविष्य के लिए, मैं अपने भविष्य के लिए वहां पे रहने के लिए गया, तो उन्होंने मुझे डांट कर भगाया और कहा कि फिर मारूंगा। सर ये कौन सी ये, जब मैंने कहा कि आप मुझे रहने दीजिए तो वो बोले कौशिक जी से बात कीजिए आप। तो मैंने कहा कि आपने कौशिक जी से पूछ के मारा था? ये भी नहीं सोच सकते वो कौन है? रविकांत पिपरिया है जिन्होंने मुझे मारा है सर। उन्हीं की वजह से पूरा माहौल खराब हुआ है विद्यालय का। जब मैं वह 6 साल पहले पढ़ने के लिए गया था तो 150 विद्यार्थी रहते थे, आज आप देख लीजिए तो 60 विद्यार्थी वहां पे, 90 गायब हो गए हैं। सर मैं इतने जुर्म नहीं सह सकता हूँ, आप ही मुझे न्याय दिलवाइए सर। तो कितने बच्चे वहाँ पर अभी हैं? सर अभी 60 बच्चे ही बचे हुए हैं। और इसकी शिकायत अभी आपने कहाँ की? सर मैंने वहाँ पे टहरौली थाने में की भी है, सीओ साहब को मैं ये दे के आया हूँ। ठीक ठीक, आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? सर मैं कड़ी सजाए मिले मैं तो यही चाहता हूँ, और मुझे सफाई भी ना करनी पड़े। मुझसे सफाई करवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं। सर जब उनका परिवार तो मैं कपड़े क्यों।